नोकिया 8.1 के रिव्यू के बाद आप में से काफ़ी लोगों ने नोकिया 8.1 को परचेज कर लिया, और उसके बाद जो आपने कमेंट्स की बौछार की है कि जब एक अच्छा डिवाइस परचेज करा ही दिया है तो इसके लिए एक अच्छा टेम्पर ग्लास भी रिकमेंड करो। तो इस वीडियो में मैं आपको ग्लेज़ रिंग का टेम्पर ग्लास रिकमेंड करने वाला हूँ, लेकिन उसके पीछे रीज़न क्या है, क्या प्राइसिंग है, क्या ऑफर है आपके लिए, और जो इसका रिव्यू है वो भी इस वीडियो में करने वाले हैं। सो हे व्हाट्स अप पीपल, मेरा नाम है अभिनव, आप देख रहे हैं ट्रू टेकी, एंड इन दिस वीडियो हम ग्लेज़ रिंग टेम्पर ग्लास का रिव्यू करने वाले हैं फॉर नोकिया 8.1, और जो स्पेशल ऑफर है आप लोगों के लिए वो भी इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले ये जानना जरूरी है कि क्यों मैं आपको ग्लेज़ रिंग का ही टेम्पर ग्लास रिकमेंड कर रहा हूँ। तो सबसे पहला रीज़न यहाँ पे है इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त है। ये टेम्पर ग्लास फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ आपको 9H हार्डनेस प्रोवाइड कर रहा है, 2.5D का कर्व ग्लास है, यानी कि जो एजेस है वो इतनी अच्छी से टेपर्ड की गई है कि आपकी डिस्प्ले के साथ मैच हो जाती है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी डिस्प्ले के ऊपर टेम्पर ग्लास लगा हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे पता चलना ना चलने की अलग बात है, लेकिन जो आपको यहाँ पे डिस्प्ले के साथ स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा ये टेम्पर ग्लास, स्क्रैच रेजिस्टेंट भी है, इवन जो ओलियोफोबिक कोटिंग आपको इस टेम्पर ग्लास पे मिल रही है, आपके टेम्पर ग्लास की लाइफ एटलीस्ट 1 साल तो होने ही वाली है। उसके बाद यहाँ पे इस टेम्पर ग्लास की जो फिटिंग है वो इतनी ज़्यादा एग्जैक्ट है कि थोड़ी सी भी एजेस फालतू नहीं है, कुछ भी आपको मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि ये टेम्पर ग्लास ऐसे ही बना दिया गया है। यहाँ पे आपको प्रॉपर कट्स मिलेंगे आपके ईयर पीस के लिए, सेंसर के लिए, कैमरा के लिए, इवन यहाँ पे जो नोकिया की ब्रांडिंग दी गई है इसमें आपको ट्रांसपेरेंट कट मिल रहा है, जिसकी हेल्प से यहाँ पे जो नोकिया की ब्रांडिंग है वो भी डायरेक्टली विजिबल होगी। और इस टेम्पर ग्लास के साथ आपको 99.99% की विजिबिलिटी मिल जाती है, यानी कि इस टेम्पर ग्लास को बनाते वक्त एक एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। प्रीमियम टेम्पर ग्लास है, लेकिन जो प्राइसिंग है प्रीमियम के हिसाब से काफ़ी कम है, वो आपको आगे पता चल जाएगा। पहले आते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस पर। तो यहाँ पे ग्लेज़ रिंग की तरफ से एक प्रॉपर किट आती है, जिसकी हेल्प से इस प्रोसेस को आप DIY बना सकते हैं, यानी कि अपने आप पूरा प्रोसेस खुद कर सकते हैं घर बैठे, आपको किसी शॉप पे नहीं जाना होगा। यहाँ पे किट में आपको एक टेम्पर ग्लास क्लीनिंग वाइप्स अपनी स्क्रीन को क्लीन करने के लिए, उसके बाद यहाँ पे डस्ट स्टिकर मिल जाते हैं जिसकी हेल्प से बची कुची डस्ट आप हटा सकते हैं। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्लीनिंग वाइप्स को यूज़ करना है, पहले वेट वाली यूज़ करनी है, उसके बाद ड्राई, पूरी स्क्रीन को क्लीन कर लेना है अच्छे से। उसके बाद भी कोई डस्ट पार्टिकल दिखता है तो यहाँ पे डस्ट स्टिकर की हेल्प से जो डस्ट है आप रिमूव कर दोगे। अब यहाँ पे टेम्पर ग्लास को उठाना है, और जो टेम्पर ग्लास चिपका हुआ है किसी प्लेट के साथ या जो भी चीज़ है वो, वहाँ से आपने दोनों को सेपरेट करना है। टेम्पर ग्लास को डिस्प्ले पर प्रॉपरली अलाइन करना है। जब आपको लगे कि नोकिया की ब्रांडिंग आपको प्रॉपरली दिख रही है उस कट के अंदर से, और ऊपर ईयर पीस, कैमरा, ये सब अच्छी तरीके से आ चुके हैं, आपने टेम्पर ग्लास को धीरे से डिस्प्ले पर टिका देना है। टिकाने के बाद आपने अपनी फिंगर की हेल्प से डिस्प्ले पर सेंटर में प्रेस करना है या एक लाइन की तरह मूव करा देना है, जिसकी हेल्प से जो ग्लू है वो चारों तरफ फैलना शुरू हो जाएगा। और अगर उसके बाद भी कोई बबल्स बचते हैं तो आप थंब की तरफ से बाहर की तरफ पुश कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से जो बबल्स है, एयर है, वो इजीली रिमूव हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि जो टेम्पर ग्लास है वो बाई चांस मिस अलाइन हो चुका है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, ये टेम्पर ग्लास फ्लेक्सिबल है, इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। आप इसको बहुत आराम से डिस्प्ले से हटा लें और दोबारा से प्रॉपरली अलाइन करके फिक्स कर लें। अब यहाँ पे अपना टेम्पर ग्लास लग चुका है, इसके बाद जो व्यूइंग एंगल है एकदम परफेक्ट मिलेंगे, कोई डॉट मैट्रिक्स इफेक्ट या रेनबो इफेक्ट इस टेम्पर ग्लास के साथ नहीं मिलता, क्योंकि ये टेम्पर ग्लास फुल ग्लू एज टू एज है। आपने देखा होगा मार्केट में जितने भी एज टू एज टेम्पर ग्लास आते हैं उसमें डॉट मैट्रिक्स इफेक्ट दिखता है या फिर बीच में ग्लू नहीं होता, तो यहाँ पे आपको फुल ग्लू मिल रहा है, जिसकी हेल्प से आपकी डिस्प्ले के साथ ये टेम्पर ग्लास इतना अच्छा चिपक जाता है कि यहाँ पे आप डिफरेंस नहीं फाइंड कर सकते कि टेम्पर ग्लास डिस्प्ले पर लगा हुआ है या नहीं। अब यहाँ पे जो ग्लेज़ रिंग टेम्पर ग्लास की कॉस्ट है वो है 400 रुपीज़, लेकिन आपको यूज़ करना है टेकी प्रोमो कोड कैपिटल में जब आप कर रहे होंगे चेकआउट, तो यहाँ पे 10% का इंस्टेंट ऑफ मिल जाएगा, यानी कि जो इफेक्टिव प्राइस होगी वो होगी 360 रुपीज़। तो 40 रुपीज़ बच चुके हैं। अब आप कहोगे कि यार 100 रुपये में भी टेम्पर ग्लास मिल जाते हैं, लेकिन इतनी एग्जैक्ट फिटिंग, 9H हार्डनेस के साथ, 2.5D कर्व, फुल ग्लू एज टू एज टेम्पर ग्लास आपको इस प्राइसिंग में बहुत कम ही देखने को मिलेंगे। तो आपको अगर एक अच्छी क्वालिटी का टेम्पर ग्लास चाहिए अपने डिस्प्ले को, अपने डिवाइस को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो डेफिनेटली मैं ग्लेज़ रिंग का टेम्पर ग्लास ही रिकमेंड करूंगा। और उसके बाद आपके पास कोई अदर डिवाइस है, कुछ भी, जितने भी नए डिवाइस आजकल आ रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 8.1 के लिए तो लिंक मिलेगा ही मिलेगा, ग्लेज़ रिंग वेबसाइट का भी लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर जाके आप अपने डिवाइस के लिए टेम्पर ग्लास सर्च कर सकते हैं। और टैगी प्रोमो कोड जरूर यूज़ करना है,
जितनी भी परचेज है सब पे एप्लीकेबल है, तो 10% का इंस्टेंट ऑफ मिल जाएगा। S10 Plus के लिए भी है, S9 के लिए भी है, मतलब जितने भी प्रीमियम डिवाइस है या फिर नए डिवाइस आ रहे हैं सब के लिए आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आप लोगों के लिए एक स्पेशल चीज़ है कि अगर आपको नोकिया 6.2 या 7.2 बहुत अच्छे डिस्काउंट पे चाहिए, मेरे पास है सील्ड बॉक्स 2 पीस रखे हैं, तो आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दोनों डिवाइस पर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, तो वहाँ पे जाके आप उन डिवाइस को परचेज कर सकते हैं। और उसके बाद भी आपके दिमाग में कोई क्वेरी, सजेशन या कुछ भी है, तो सोशल मीडिया हैंडल के लिंक्स यहाँ पे है, कमेंट सेक्शन नीचे है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।